हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरुचक चेक। दोस्तों, आज का जमाना क्रिएटिविटी का है। हर कंपनी ऐसे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को हायर करती है जो अपनी क्रिएटिविटी से पब्लिक को कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर सके, जो अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को प्रभावित कर सके। और अगर क्रिएटिविटी का नाम आता है तो इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर ये होते हैं जो अपनी सोच और अपनी क्रिएटिविटी से किसी भी पोस्टर बैनर को इस तरह से तैयार करते हैं। दोस्तों, आज के समय में ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। दोस्तों, अगर आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिक डिजाइनर कैसे बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे ग्राफिक डिजाइनर कौन होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में कितने तरह का कोर्स होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, फी कितनी लगती है, कोर्स कहाँ से करें, करियर स्कोप क्या है और लास्ट में सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं लेकिन कैसे बनना है ये नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस कोर्स के बारे में जानते हैं और अपने पहले टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ग्राफिक डिजाइनर कौन होते हैं। दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनर वो होते हैं जो इमेज के जरिए किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ऐसा पोस्टर या बैनर बनाते हैं जिससे पब्लिक उस प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। इसे और आसान भाषा में कहें तो ग्राफिक डिजाइनर किसी भी प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंटेबल बनाते हैं कि आप उसे खरीदने पर मजबूर हो जाएं। कई बार आपने देखा होगा कि टीवी पर या फिर किसी कंपनी के बाउचर पर इस तरह का डिजाइन बना होता है जिसे देखकर आप उसकी तारीफ करने लगते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है बिना ये सोचे उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। ग्राफिक डिजाइनर खास तौर पर मीडिया हाउसेस और मार्केटिंग कंपनी में आपको मिलेंगे जो बेहतरीन ग्राफिक डिजाइन के जरिए प्रोडक्ट को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। इसके बाद जानते हैं ग्राफिक डिजाइनर में कितने तरह का कोर्स होता है। दोस्तों, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स कितने तरह का होता है। अक्सर छात्रों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है क्योंकि उन्हें ग्राफिक्स डिजाइनिंग में कितने तरह के कोर्स होते हैं यही नहीं पता होता है। दोस्तों, जिस तरह से BA अलग अलग सब्जेक्ट से करना होता है ठीक उसी तरह से इसमें भी कई तरह के कोर्सेज होते हैं। मेनली बात करें तो इसमें 3 तरह के कोर्स करवाए जाते हैं। सबसे पहले ब्रांड एंड लोगो डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन, वेब एंड मोबाइल डिजाइन। दोस्तों, ये तीनों कोर्स एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं और आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है ये डिसाइड करने से पहले आपको इन तीनों कोर्स के बारे में जानना होगा। तो चलिए शॉर्ट में आपको इन तीनों कोर्स के बारे में जानकारी देता हूँ ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले जानेंगे ब्रांड एंड लोगो डिजाइन के बारे में। दोस्तों, इस कोर्स में आपको ब्रांड को किस तरह से क्रिएटिव ग्राफिक के जरिए प्रमोट करना है ये बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि लोगों को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। बहुत सी कंपनियां होती हैं जिसका अपना खुद का लोगो होता है, उदाहरण के तौर पर मारुति कंपनी या हुंडई या फिर किया मोटर्स, और कई तरह की कंपनी होती है, सभी का अपना खुद का लोगो होता है। तो उस लोगो को कैसे डिजाइन करना है इस कोर्स में आपको उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद जानते हैं पैकेजिंग डिजाइन। दोस्तों, ठीक इसी तरह से पैकेजिंग डिजाइनिंग का कोर्स होता है जिसमें आपको अलग अलग तरह का ग्राफिक बनाने के बारे में बताया जाता है। जैसे कंपनियां अलग अलग तरह के ग्राफिक्स बनाती है, जैसे अपने प्रोडक्ट का या फिर उस कंपनी की मार्केटिंग अच्छी हो इसके लिए कई तरह के ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। बेसिकली मीडिया हाउसेस में इसके ज़्यादा काम होते हैं जहाँ अलग अलग तरह के ग्राफिक बनाए जाते हैं। इसके बाद जानते हैं वेब एंड मोबाइल डिजाइन। दोस्तों, वेब डिजाइनिंग का कोर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपको दिखने वाले अलग अलग तरह के ग्राफिक्स बनाने के लिए सिखाया जाता है। दोस्तों, आज का समय टेक्नोलॉजी का है और ज़्यादातर लोग मोबाइल या लैपटॉप जैसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल पर अलग अलग कंपनियां के ऐड चलते हैं जिसमें आपको काफ़ी अट्रैक्टिव ग्राफिक्स दिखते हैं। इस कोर्स में आपको वही सिखाया जाता है। इसके बाद जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। यही वजह है कि इसमें कंपटीशन उस लेवल का नहीं है। यही वजह है कि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसे इस कोर्स को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग लेवल के कोर्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स,
डिग्री कोर्स, मास्टर्स कोर्स। दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप 10th पास हैं तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, और अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं तो भी आपके लिए ये कोर्स है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप 10th पास हैं तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, 12th पास हैं तो डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं तो मास्टर्स का कोर्स कर सकते हैं, जबकि अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में PG का कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने कहाँ तक पढ़ाई की है पहले ये देख लें, उसके बाद अपने एजुकेशन के हिसाब से आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कितने साल का कोर्स है। दोस्तों अब इसके बाद सवाल ये आता है कि आखिर ये कोर्स कितने साल का होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बताया है कि सर्टिफिकेट से लेकर PG तक इस कोर्स को कर सकते हैं, तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि हर कोर्स की अवधि अलग ही होगी। चलिए आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको एक एक कोर्स को कितने साल में पूरा किया जा सकता है इसके बारे में बता देता हूँ। अगर सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो दोस्तों अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को करने में आपको 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है, जबकि अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को करने में आपको 1 साल का समय लगेगा। वहीं अगर आप डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको 3 साल का समय लगेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मास्टर्स डिग्री की। दोस्तों इस कोर्स को करने में आपको 2 साल का वक्त लगेगा। दोस्तों जहां तक PG की बात है तो PG करने में भी आपको 2 साल का वक्त लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि किस कोर्स को करने में कितना वक्त लगेगा ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अपने अगले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, फी कितनी लगती है। दोस्तों अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और जानते हैं अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो फी कितनी लगेगी। तो दोस्तों आपको पता है कि इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग कोर्स के बारे में जानकारी दी है, तो जाहिर सी बात है कि इस कोर्स की फी भी अलग अलग होगी। तो दोस्तों चलिए इन कोर्सेज की फी भी डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो इसकी फी 25,000 से 50,000 रुपये तक लग सकती है, जबकि अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 30,000 से 40,000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं तो सरकारी कॉलेज से करने की फ़ी काफ़ी कम है, यहां से आप 25,000 से 30,000 में इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, जबकि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कोर्स करते हैं तो हो सकता है कि इसकी फ़ी 1 से 1.5 लाख रुपये तक देना पड़ेगा। दोस्तों मास्टर्स डिग्री में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको इसके लिए आपको 30,000 से 60,000 रुपये के बीच खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप PG करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 30,000 से 50,000 रुपये फी लगेगी। दोस्तों ये तो बात रही कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने की फी कितनी लगेगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस कोर्स को करने के बाद करियर में स्कोप क्या है, क्योंकि आखिरकार किसी भी कोर्स को करने का मकसद यही होता है कि करियर में आगे बढ़ना है। तो चलिए अब अपने अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं, कोर्स कहाँ से करें। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करना होगा, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप सीख लिए तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए कि आप ऐसे तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कोर्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपको वहाँ और बेहतर सीखने को मिलेगा। आइए कुछ इंस्टीट्यूट के नाम जान लेते हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन दिल्ली, माया एकेडमी ऑफ एडवांस्ड सिनेमैटिक मुंबई, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे, MIT WPU पुणे, TGC एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया न्यू दिल्ली, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई, DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। इसके बाद जानते हैं करियर स्कोप क्या है। दोस्तों अब सबसे अहम टॉपिक के बारे में बात करते हैं और जानते हैं इसमें करियर स्कोप क्या है। तो दोस्तों अगर आप इस ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज के समय में एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, खासकर प्राइवेट क्षेत्र में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मीडिया हाउसेज या टेक कंपनी या फिर ऐसी कंपनियाँ जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों ऐसी कंपनियाँ आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर को हायर करती है। दोस्तों ऐसे प्रोफेशनल की डिमांड हमारे देश में तो है ही, विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों जहां तक सैलरी की बात है तो दोस्तों शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ी कम सैलरी मिले, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपकी सैलरी लाखों रुपये हो सकती है। कई कंपनियाँ तो ऐसी हैं जो एक ग्राफिक डिजाइनर को 2.5 से 3 लाख रुपये तक सैलरी देती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी कमाई हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांस का काम करके ही हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप करियर में सैलरी की टेंशन तो छोड़ दें, क्योंकि इसमें ना सिर्फ करियर काफी अच्छा है बल्कि सैलरी भी उतनी ही अट्रैक्टिव है।
तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।